अहमद दी हुई थी, मलिक अहमद खान साहब को भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी की, कल भी की, उनसे ज़रा ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने बात की थी। वज़ीर कानून कदर मोहताद थे, आप नोट भी कर रहे होंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं हमें? आज तो लगता है कि बड़े नामी गिरामी पहलवान मुयस्सर आ गए हमें। जी हाँ मलिक साहब, सलाम अलैकुम। सर वालेकुम सलाम जनाब। मलिक साहब इरादे क्या है आपके, सर क्या चाहते तो हैं? देखिए शाहिद साहब, हमारा इरादा तो ये मामला हम फौज के सुपुर्द कर दें। कैसे? नहीं देखें, ये तो खुदा ना खास्ता किसी की भी ख्वाहिश या नहीं हो सकती, और हर शौरी कोशिश होगी कि कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो। लेकिन एक नाइंसाफी जो मुसलसल ऑर्डर ऑफ द डे बनी है, उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना मेरा ख्याल है कि ये एक बुनियादी हक है। और वो लोग जो इस चीज से मुतासर हो रहे हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो टाइम्स टू कम जिनमें आप ये तय करेंगे कि इस मुल्क में क्या जुरिस्डिक्शंस होंगी, वो तय करेंगे कि इस मुल्क की सियासत अदालत में होगी या पार्लियामान में होगी, सियासी जमातों के सदूर कौन होंगे, ये फैसले कौन करेगा, क्या लोगों को आप ये हक देंगे या वो हक लोगों से छीन लिया जाएगा। मलिक साहब ये सवाल आपके सारे बड़े अहम है, डिबेटेबल है, लेकिन अब ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत सवाल की सूरत में कि जब सियासतदान मिल बैठे, मुजाकराती अमल हुआ, तीन अदवार हुए, पीटी ने रिपोर्ट जमा करा दी और पुरुमीद हुए अवाम के शायद को हल निकले, तो सियासतदानों को तो मौका मिला, और वही उनकी प्ली थी कि ये सियासतदानों के मसाइल हैं, पार्लियामान के मसाइल उनको हल करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तीन सफात में मबनी फैसला भी जो आज सामने आया, कल समाअत भी मुकर्रर हुई, उसमें भी ये लिखा कि हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं था। जब खुद से मिल बैठे, वक्त मिल गया, आप लोग सियासतदान जब नतीजा नहीं निकाल सके और बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, तो फिर मुर्द इल्ज़ाम तो सियासतदान होंगे ना जी? नहीं ऐसा नहीं होगा सर, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी अदालत को ये तय करना है कि वो किसी भी और आईनी अदारे के उस आईनी हक पे इनक्रोच कर रही है। और मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, उसमें लंबी मैं बहस में नहीं जाऊंगा, इतना वक्त नहीं होगा आपके पास भी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब चीफ जस्टिस थे और सदीकी साहब वाला सदारती इंतखाब था, तो आपके हाफसे में होगा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्केड्यूल का ऑर्डर भेजा। दैट ओल्ड मैन केम आउट क्राइंग, चीखें मारते धाड़ते हुए निकले कि ये किस आईन के तहत मुझे सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे रही है, ये मेरा अपना एक आईनी इख्तियार है जिसको जो वाजे तौर पर लिखा हुआ है, और मैं सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल हक नहीं देता कि मेरे इख्तियार में और मेरे फ्राइज के अंदर वो मुदाखलत करें, चाहे जाए कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए प्रोन हो। ये कौन सी जुरिस्डिक्शन है? आईन की टोटल शक्ल पहले 63A में तब्दील कर दी, अब ये एक स्केड्यूल देख के हुक्मनामा ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं, मगर मलिक साहब आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकते ना, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी, या तो आपके पास दो तिहाई अक्सरियत होती, आप आईन में तब्दीली कर देते। ये तो देखिए, तो तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हुकूमत कहे या असेंबली कहे कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये तो बहस ही नहीं है शामी साहब, मैं बस एहतराम मैं ये अर्ज करूं सर, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म से आप किसी भी टच स्टोन पे उसको परख लेंगे तो उस किसी हुक्म की हुक्म अदूली की नहीं गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप एक मद में अखराजात जारी कर दें, तो उसके लिए तरीकाकार आइन के अंदर तफवीज है, उसी के तहत किया जाएगा, और वो आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 84 तक है, और वो जिस तरह की भी, चाहे वो कोई सप्लीमेंटल ग्रांट है या चाहे वो कोई चार्ज्ड अकाउंट है, बल्कि रादर सुप्रीम कोर्ट ये ज्यादती करेगी कि जब पार्लियामान को कहेगी कि आप इसकी बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो इजाजत दे दें, ऐसा हो नहीं सकता। साहब एक छोटी सी ब्रेक पर, लेकिन उससे पहले जब 14 मई का इंतखाब अपनी जगह बरकरार है, हुक्मनामा जो उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए कि फंड्स भी नहीं मिले और सिक्योरिटी भी नहीं है, और तजवीज़ भी दी कि 14 मई को इंतखाब नहीं हो सकता, बल्कि इनकार कर दिया, आपके मुजाकरात भी कामयाब नहीं हो पाए, कल समाअत हो रही है, फिर क्या होगा? देखिए ये कोई तारीख का पहला मौका नहीं होगा, बाज़ुकात
ऐसे हुक्मनामे जारी हो जाते हैं जैसे जिसके लिए कानूनी इस्तला है कि ऑर्डर्स इन इंक्वायरियम जो बाजुका जिन पर अमल दरामद आईनी एतबार से दुरुस्त नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा हुक्मनामा जारी करती है बिला शुबा वही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट आइन की उन शिकों को जिसमें ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट स्केड्यूल देने खुद बैठ जाएगी तो वो एक ऐसा हुक्म होगा जिसपे अमल करना आइन की रूह से मगर आइन के मुताबिक नहीं होगा। कह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है हुक्म पे अमल नहीं होगा, वो जामिया अशरफिया या जामिया नईमिया की तरह हो जाएगी के फतवे दे रहे हैं मुफ्ती साहब बैठे हुए, अमल हो नहीं रहा और फकई बहस में हो जाएगा फतवा। गालिबन शमी साहब देखें मैं ये जो आपने बात की ये दुरुस्त की और ये एक बड़ा एक फॉर मी इट वुड बी अ वेरी सैड डे कि जब ये ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचते हुए कुछ ऐसे अहकाम जारी कर दे जो कि पार्लियमान को हदायत करे कि आप जरूर इस अंदाज में वोट करें, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहे कि आपका फंक्शन नहीं है, स्केड्यूल आपने नहीं देना वो मैं दे रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपने जो इखराजात की मद में वोटिंग का प्रोसेस है उस पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाएगी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात ना सुने, और साथ ये तसव्वुर कर ले कि पार्लियामान की तरफ एग्जीक्यूटिव की कोई ड्यूटी नहीं है, तो ये अहकाम जो है खुद उन जज साहिबान को सोचना चाहिए कि वो क्या अहकाम दे रहे हैं।